इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवारा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान है, यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहां असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहां आने वाले भक्त प्रतिमा के दर्शन करने से सुख शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ओम ह्रीम श्लीम क्लीम ऐम अर्हम बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम झम झम झीम झीम छिम छिम द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नवोरति भगवती श्रीमते। ओम ह्रीम क्रोम मम पापु खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अर्हम झम झिम झिम हम सम झम बम हयासा छाम छीम छूम छै छौ छम छा छिम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रे ह्रे ह्रूम रुब्रा द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नवरते भगवती श्रीमती अस्माकं समस्त जीवनम। आज के शांतिधरकर्ता परिवार अशोक जी, नीलम जी, आयुष जी, आस्था जी, हंस जी, नीलम जी, जन्मदिवस सु अवसरे अपि समस्त सैमरा वाला मोदी परिवार शांतिनगर पगार रोड सागर सा परिवार मंगल भवतु। अर्चना जी, मोनिका जी, अनी जी, रविन जी, यशना जी, पार्श्वी जी, जुड़वा खेरा वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतु। बीरेन जी, इंदिरा जी, आलोकी, रश्मि जी, वैभव जी, नेहा जी, किंजल जी, कनिष्का जी, जुड़वा खेरा वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतु। अभय जी, मुनि भाई जी, अमन जी, जुड़वा खेरा वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतु। कीर्ति जी, बिना कोट सफलार्थम समस्त भव जीवनम। शांति धाराकर्ता परिवार रूपचंद जी, राहतगढ़ वाला परिवार सा परिवार सुदेश जी, कुरई वाला परिवार सा परिवार नरेन जी, गढ़ाकोटा सा परिवार आयु जी, पथरिया जिनेन जी, गढ़ाकोटा आकाश जी, बांद्रे प्रमोद जी, भिंड अभिषेक जी, सागर अरविंद जी, अनु जी, राहतगढ़ सुनील जी, सतीन जी, सम्यक जी, राहतगढ़ सुमेश चंद जी, कुरई पलाश जी, बांद्रे समस्त परिवार व्याधिम घरें तो व्याधिम घरें तो व्याधिम घरें तो श्रीमान अशोक जी, राहत अरुण जी, राहतगढ़ स्वास्थ्य लावर्थम, असरभी भाई जी स्वास्थ्य लावर्थम, शशि भाई जी स्वास्थ्य लावर्थम, समस्त भवजीवनम। संपूजी खानम प्रतिपालनी खानम यतीन्द्र सामने तपोधनानम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांति भगवत जिनेन्द्र। ओम रीम देव देव शांति नद भवन के चरणों में विश्व शांति की भावना भाते हैं और प्राणी मात्र का कल्याण हो इन्हीं भावना से। ओम रीम श्री शांति नद जिनेन्द्राय नर्मद प्राप्त है घम नर्मपामिति स्वाहा हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो नाम ही जपता रहो जीवन तराने के लिए बेटे में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए हे सुधा सागर दयालु। ओम रीम निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ईश्वरमाना की माटी में जन्मे अनारिक पद प्राप्त है। अभी तक तो कहते थे ईश्वर बारा है ना, यानी ईश्वर का बारह है। जब यहाँ पर चौबीस ही भगवान भी होंगे, अभी तो शांति कुंतरायनाथ भगवान है, नेमिना चंदा प्रभु भगवान है ना, आने वाला समोसरण होगा, नंदीश्वर होगा, सहस क्रूट होगा, बड़े बड़े आज मुनिस्वृतनाथ भगवान की विशाल अद्वितीय प्रतिमा का आगमन ईश्वरवारा में हो चुका है। अभी तक भारत के चिंतन कर लो, कल हम लोग बैठे चिंतन कर रहे थे, भारत में इतने बड़े मुनिसुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा अभी कहीं पर नहीं है जो ईश्वरवारा में स्थापित होने वाली है। तो मैंने कहा भारत में ही इतनी बड़े, तो वो कहते महाराज आप भारत की क्यों करो, पूरे विश्व में कहो ना क्यों, क्योंकि और अन्य जगह तो कहीं इतने बड़े मुनि सुब्रनाथ भगवान भारत के अलावा तो और कहीं मिलने वाले है ही नहीं है। अमेरिका में देखे कोई इतने बड़े भगवान, इंग्लैंड में देखे, अरे वहाँ इतने छोटे से भगवान मिल जाए तो वही बहुत है, दर्शन के लिए लोग तरसते हैं।
पर भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ पर ऐसे भगवंतों का और उनकी आराधकों का ऐसा ही आस्था का सैलाब देखने को मिलता है। और वही है कि आज हम सब इस ईश्वरवारा में शांतिनाथ भगवान के इस पावन पुनीत तीर्थ पर, शांति कुंतरानाथ पाणासा की उस पावन पुनीत तीर्थ पर देखो कितना भव्य आत्मा होगा वह पाणासा, कि याद से उसने 7-8-900 साल वर्ष पहले जिसने अपनी पूरी जीवन का उद्देश्य क्या बनाया था, एक ऐसा जीव उसके इतिहास को पढ़ते हैं कि पता नहीं क्या जीवन था उसका। उसने पैसा कमाया, धंधा पानी किया, रोज रोटी की जीवन जिया, लेकिन उसके बारे में ऐसा इतिहास मिलता है कि उसने जहां गया पैसा कमाया, धंधा किया और सब कुछ किया, और वहीं कमाया, वहीं पैसा लगाया और आगे बढ़ गया। कहीं पर उसने भगवान के हर जगह मंदिर तो बनाए लेकिन अपना घर कहीं पर नहीं बनाया। कितने उसके विशाल भाव रहे होंगे, उसका उद्देश्य क्या है। आज आप लोगों को ऐसे उस श्रावक सृष्टि के बारे में कहना चाहिए कि धन्य है कि आज उसने ऐसे ईश्वरवारा जैसा क्षेत्र हमको दिया कि आज हम यहाँ बैठ करके धर्म ध्यान और पुण्य कमा रहे हैं। दूर दूर से आकर के हम सब ऐसे भाव जगा रहे हैं। उसने अपना काम किया, वो तो चला गया, अब तुम कहो कि ऐसे जीव का कल्याण नहीं होगा। नियम से निकट भव अति शीघ्र, समय में ऐसा जीव मुनि बनकर के मोक्ष जाएगा ही, वह कभी संसार के इस दलदल में फंसने वाला नहीं है। अब आगे आने वाला उसने पाणासा ने यहाँ शांतिनाथ भगवान को स्थापित करके गया। अब बहुत सारे हमारे पाणासा और पुण्यशाली आत्माएं भी ऐसे 24 जिनालय भी बन रहे हैं, बड़े बड़े भव्य जिनालय बन रहे हैं। मुनि सुब्रतनाथ जिनालय है, पार्थनाथ जिनालय है, समूसर्ण जिनालय है, नंदीश्वर जिनालय है, सबके बड़े बड़े अच्छे पाणासा पुण्यशाली जीव बन चुके हैं, है ना। ऋषभ भैया जय अपने अज्ञानी भैया आदि का परिवार भी आज, जिन्होंने मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा के पुण्यार्जक परिवार हैं, है ना, और पार्थनाथ भगवान के भी पुण्यार्जक परिवार हैं बड़े बड़े, और सभी 24 तीर्थंकरों की देखेंगे इस एरिया में सबसे बड़ी 24 बनने वाली है ईश्वरवारा में। अभी इतनी बड़ी 24 और कहीं बनने वाली, अभी देख रहे हो आप लोग क्या होगा, कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, देखते जाओ। मास 2-5 साल धैर्य रखो, क्योंकि ये पत्थर के काम में धैर्य रखने वाली धैर्यशाली ही काम करवा पाते हैं। हमारे आने वाली संस्कृति, आने वाली संतति को लिए अगर जिन धर्म का परिचय अगर कहीं होगा, जिन धर्म को अगर बताने वाले होंगे, तो यही मंदिर होंगे। क्योंकि तुम तो 150 साल बाद चले जाओगे, लेकिन 150 साल में जो करके जाओगे वो आने वाले तुम्हारी पीढ़ी को एक परिचय के, हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, हमारे भाई ने, हमारे ने परिजनों ने ऐसा अच्छा कार्य किया है, उन्हें प्रेरणा का कार्य मिलता है, प्रेरणा सूत्र बनते हैं। वे कहते जब हमारे बुजुर्गों ने ऐसा अच्छा किया है तो हमारा कर्तव्य है कि उसका संरक्षण करना भी हमारा धर्म है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, ना मैं दौलत पे नाच करती हूँ, ना शोहरत पे नाच करती हूँ, लिया है ऐसे परिवार में जन्म, इसीलिए अपनी किस्मत पे नाच करती हूँ। हमारा परम सौभाग्य है जो हमें महाराज जी पूज्य निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज की जन्मस्थली पर एक मंदिर निर्माण करने का परिवार जन को सौभाग्य प्राप्त हुआ, और अजय सागर महाराज जी का परम सानिध्य रहा, इसीलिए हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश।